तिलैया थाना क्षेत्र के बाईपास इंदरवा चौक के समीप बीती रात एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आइए देखते हैं पूरी खबर। मृतक की पहचान इंदरवा के झरना कुंड रोड निवासी 45 वर्षीय प्रभु राम के रूप में हुई है। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने घटनास्थल पर पहुंचकर बाईपास एनएच को जाम कर दिया, जिससे एनएच के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। वहीं मृतक के परिजन प्रशासन से घटना में शामिल वाहन को पकड़ने, उचित मुआवजा और इंदरवा चौक पर स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग कर रहे हैं। मृतक की परिजनों ने बताया कि मृतक मजदूरी का काम करता था। उसके 3 पुत्र एवं 1 पुत्री है। वह घर का एकमात्र कमाऊ सदस्य था। घटना की सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पीसीआर वैन ने सड़क जाम कर रहे लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। इसके बाद आक्रोशित लोग एनएच पर टायर जलाकर आवागमन को पूरी तरह से बाधित कर दिया। इसके बाद तिलैया थाना प्रभारी अजय कुमार, SI लव कुमार, ऋषिकेश कुमार, शशिकांत कुमार, आनंद कुमार सह, दिलीप झा, जालंधर प्रसाद दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग अपनी मांग पर अड़े रहे। इसके बाद घटनास्थल पर पहुंचे अंचल अधिकारी अनिल कुमार ने मृतक के परिजनों को तत्काल 5000 रुपए देते हुए पारिवारिक सुरक्षा के तहत मिलने वाले सभी लाभ, मृतक की पत्नी को इसी माह से विधवा पेंशन, 1 माह का राशन देने का आश्वासन दिया। जिसके बाद सुबह करीब 3 बजे मृतक के परिजन एवं स्थानीय लोगों ने जाम हटा दिया। कोडरमा से रितेश लोहानी की रिपोर्ट। कुछ घंटा पहले सूचना मिली है कि इंदिरा के पास दुर्घटना हो गया है, इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और सरकारी नियम अनुसार जो भी मुआवजा चाहे जो भी मिलेगा मिल जाएगा उसको।